हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज़ मेकअप ट्यूटोरियल इज़ अ रक्षाबंधन मेकअप ट्यूटोरियल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो फर्स्टली मैंने अपनी आईब्रो फिल करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैंने अपनी थ्रेडिंग करवाई है, जिससे कि मुझे अपनी आईब्रो फिल करने में बहुत ईजी हो रहा है और मेरी आईब्रो बहुत अच्छे से फिल हो गई है, जिसके आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने अपनी आईब्रो को फिल करना स्टार्ट कर दिया है। अपनी दोनों आईब्रो को फिल करने के बाद मैं इसे एक एक्सपोली की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आई प्राइमर लिया है और मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई कर ली हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने इस पर लूज़ पाउडर लगाकर इसे सेट कर दिया। इसके बाद मैं एक मेहरून कलर का शेड ले रही हूँ और मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और एक क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आपने अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड करना है एक फ्लफी ब्रश के साथ। उसके बाद मैंने अपनी आईज़ की कॉर्नर पर एक डार्क ब्राउन शेड लिया, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने फ्रंट पे कट क्रीज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है विद दी हेल्प ऑफ कंसीलर। उसके बाद मैं इसके फ्रंट पर एक गोल्डन कलर का आई शेडो लगाऊंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये प्रॉपर गोल्डन नहीं है, लाइक शिमरी टाइप का कलर है। ये बहुत अच्छा लग रहा था मेरे सूट के साथ, इसलिए मैंने इस कलर को दिए। इन दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपने आईज़ पर आईलाइनर लगाऊंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने अपने आईलाइनर को अप्लाई करना एंड से स्टार्ट किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। विंग क्रिएट करने के बाद आपने फ्रंट से एज तक ले जाकर जोड़ देना है। इसके बाद मैं अपने फेस पर टू टाइप ऑफ फाउंडेशन लगा रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो समटाइम्स मैं इस तरीके के फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, इससे मेरे फेस पर एक अच्छा सा फिनिशिंग आती है। इसके बाद मैंने अपने चीक्स पर ब्लशर अप्लाई किया और कंटूर अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इन दोनों को अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपनी नोज़ को कंटूर कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने एक स्ट्रेट ब्रश लिया है, इस पर मैं कंटूर अप्लाई कर रही हूँ, पाउडर कंटूर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपको अपनी नोज़ की कंटूरिंग कैसे करनी है। इस तरीके से कंट्रोल करने के बाद इस पर लिपस्टिक लगा लिया है। ये है फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।